ओम श्री गणेशाय नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। मैं आपका अपना पंडित धर्मराज शर्मा और आप मुझे देख रहे श्री मंदिर पर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री मंदिर पर। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का शुभ समय राहु काल और आज के दिन को शुभ बनाने हेतु मंत्र और उपाय। दोस्तों, आज हम आपको विशेष व्रत की जानकारी प्रदान करेंगे। आज चंपा षष्ठी स्कंद गुह षष्ठी है, अतः आज षष्ठी देवी जो स्कंद माता हैं उनका व्रत रखें। और षष्ठी के जो अधिपति देवता हैं अर्थात कार्तिकेय, उनका भी आप पूजन करें। आज का दिन बहुत ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ है। जो निसंतान हैं वह दंपति दोनों ही आज कार्तिकेय और स्कंद माता का पूजन करें और व्रत करें। उसके बाद में उनके मंत्रों के द्वारा यज्ञ करावें और उनके महामंत्रों का जाप करने से उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य उनको प्राप्त होगी। दोस्तों, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके भोजन उनको खिलावें और यथाशक्ति उनकी प्रसन्नता हेतु दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, उससे उस व्रत की पूर्णता आपको प्राप्त होगी। जानते हैं आज के पंचांग के विषय में। संवत 2077 मार्ग शीर्ष शुक्ला षष्ठी रविवार, नक्षत्र सतबीसा, रात्रि 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हैं, चंद्रमा कुंभ राशि पर और सूर्य देव धनु राशि पर विराजमान रहेंगे। तदनुसार दिनांक 20 दिसंबर 2020 रहेगी। आज का शुभ समय जो कि प्रातः 8 बजे से लेकर के दिन में 12:17 और दिन में 1:45 से 3:07 का समय बहुत ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज का राहु काल शाम को 4:32 से 5:57 का समय अशुभ है, इसे आप त्याग दीजिए। और सर्व विजय अभिजीत वेला दिन में विजय मुहूर्त 11:55 से दिन में 12:40 का समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और शुभ रहेगा। इस समय में अपना पूजा पाठ शुभ कार्य प्रारंभ करें। जानते हैं किन किन राशि के लिए आज का दिवस अति सर्वश्रेष्ठ है। आज विशेष रूप से मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और तुला, वृश्चिक, धन, कुंभ और मीन, इन राशि वालों के लिए आज का दिवस शुभ रहेगा। दोस्तों, आज चंपा षष्ठी है, अतः स्कंद माता और कार्तिकेय भगवान जो दक्षिण साउथ में बहुत ही उसका पूजन और बहुत ही मान्यता है उनकी। कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेना अध्यक्ष हैं, सेना नायक हैं, अतः हर किसी क्षेत्र में वो आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। और उनका पूजन करने से संतान सुख की तो प्राप्ति होती ही है और कोई भी भारी संकट हो, विपदा होने पर भी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज रविवार भी हैं, अतः भगवान सूर्य देव की उपासना आराधना अवश्य करें और अपना ओज बल और कीर्ति बढ़ाने के लिए ओम तेजसे नमः इस महामंत्र का जाप करें और सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद में आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना आज के लिए बहुत ही शुभ रहेगा और गाय को गुड़ अवश्य खिलावें। आज के दिन गाय को गुड़ खिलाने से शुभ होता है। दोस्तों, ऐसी ही शुभ जानकारी के साथ में कल हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिवस मंगलमय हो। जय श्री राम। ओम।